Hello everyone, welcome back to my channel. Today I am giving you the details of all the rooms available in Arabian Dreams by Club Mahindra in Bar, Dubai. So, if you are planning to visit Dubai for uh, more than a week or 15 days or more than that, then this is the best option uh, because it is much much cheaper than the other hotels. यू कैन अवेल द प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्लब महिंद्रा बाई बिकमिंग द मेम्बर्स ऑफ क्लब महिंद्रा आपको पता होगा कि ईयरली टू ईयरली या फाइव ईयरली इस टाइप के मेम्बरशिप्स होते हैं वो आपको क्लब महिंद्रा के ऑफिस से पता चल जाएगा एंड यू कैन बुक द प्रॉपर्टीज़ एनी वेयर इन इंडिया आपने हम मेरा uh, कान्हा किसली वाला ब्लॉग uh, देखा होगा तो उसमें भी मैंने क्लब महिंद्रा की प्रॉपर्टी को दिखाया है एंड दे आर मच चीपर दैन अदर प्रॉपर्टीज देन अदर होटल्स कुछ प्रॉपर्टीज़ क्लब महिंद्रा की अब्रॉड भी हैं लाइक दुबई में अरेबियन ड्रीम्स हैं इसकी मैं सारी आपको रूम्स दिखाने वाली हूँ मीन्स टू बेडरूम्स स्टूडियो अपार्टमेंट्स एंड द सिंगल बेडरूम्स तीनों के वीडियो मैंने लिए आप अंत तक जरूर देखें सबसे पहले मैं टू बी आर दिखाऊँगी हमने टू बी आर बुक किया था इसमें सारी फ़ैसिलिटीज़ अवेलेबल है जो आपको एक घर में चाहिए आप दस पंद्रह दिन के लिए एक महीने के लिए रहने आ रहे हैं तो दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन चलिए मैं आपको दिखाती हूँ टू बेडरूम से शुरू करती हूँ जिसमें टू बेडरूम्स हॉल किचन एंड क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं एंड अमेनिटीज़ हैं मैं दिखाती हूँ आपको एंड खाने में हमने क्या क्या खाया एंड इंडिया से हम क्या क्या फ़ूड पैकेट्स एंड क्या क्या लेकर के आए यहाँ पे क्या अवेलेबिलिटी है वो भी मैं एक अलग से एक व्लॉग में दिखाऊंगी अलग से एक वीडियो बनाऊंगी तो उसको भी आप ज़रूर देखिएगा अगर आप दुबई या कोई भी फॉरेन कंट्री जा रहे हैं एंड स्पेशली आप वेजिटेरियन हैं तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी होंगी वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो चलिए टू बी से स्टार्ट करते हैं नॉर्मली बी को बी बोला जाता है होटल अपार्टमेंट्स में स्पेस काफ़ी अच्छा खासा बड़ा है आप एंट्रेंस के साथ हॉल uh, देख सकते हैं इसमें सिक्स सीटर डाइनिंग टेबल है अच्छा खासा बड़ा सोफा सेट है एंड दिस इज द बालकनी जिसमें कपड़े सुखाने के स्टैंड भी हैं देख सकते हो आप कितना बड़ा हॉल है विथ अ टी वी एंड बिग मिरर एंड एक स्मॉल फर्नीचर में शू रैक टाइप का भी है दिस इज़ द कॉमन वॉशरूम जो सेकेंड um, रूम के सामने है एंड दिस इज़ द एरिया फॉर योर प्रेस प्रेस टेबल यहाँ रखा हुआ है एंड दिस इज द किचन हाइव शो यू द किचन इन डिटेल दिस इज द फ्रिज यू कैन सी द रेफ्रिजरेटर बहुत अच्छे खासे बड़े साइज का है यू कैन पुट द ग्रोसरी ऑफ फुल वीक इन इट किचन इज़ टोटली मॉडुलर एंड जितने भी इसमें स्पेस हैं बहुत ही ज़्यादा स्पेस है एंड दिस इज़ द थ्री पीस सेट ऑफ फॉर इंडक्शन आप देख सकते हो स्पेस कितना ज़्यादा है माइक्रोवेव है टोस्टर है माइक्रोवेव तो हमें बहुत ही ज़्यादा यूज़ हुआ साथ में वॉशिंग मशीन है एंड फॉर वॉशिंग एरिया आप देख सकते हो टू सिंक स्पेस है विथ वन स्टैंड आप वॉश करके डिश रख सकते हो वैसे वॉश करने के लिए होटल स्टाफ हैं वो सारा क्लीन करके जाते हैं बट फॉर इमरजेंसी यू कैन यूज़ द लिक्विड सोप एंड स्क्रब ओवर देयर चिमनी है चिमनी के ऊपर भी स्पेस है आप देख सकते हो स्पेस बहुत ज़्यादा है अगर आप एज अ घर इसको यूज़ करो तो या आप देख सकते हो पूरी क्रॉकरी सेट है मीनस प्लेट्स सूप बोल्स कप्स अच्छे खासे अमाउंट में है क्वान्टिटी अच्छी है हम जो भी रेडीमेड फूड पैकेट्स लाए थे सब स्पेस में हमने भर दिया है कि सामने दिखेगा वन वीक तक एंड हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होएगी बार बार बैग से निकालने में इसकी सारी डिटेल्स मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगी कि हम क्या क्या लेकर के आए थे इंडक्शन है जो हमने मैक्सिमम यूज़ किया गैस स्टोव एंड अवन तो हमने यूज़ नहीं किया एंड यू कैन सी द कटलरी सेट पूरी नाइफ सेट एंड अच्छी खासी कटलरी है एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट किचन में डस्टबिन भी है तो चलिए अब रूम्स देखते हैं रूम्स की क्या साइज़ हैं एंड क्या फैसिलिटीज़ हैं टू बी आर भी हाँ दो तरह के हैं पहला है जिसमें दोनों रूम में पर्सनल वॉशरूम्स हैं एंड वन वॉशरूम कॉमन वाला अलग से है मींस थ्री हो गए एंड एक टू बी आर ऐसा है जिसमें दो ही वॉशरूम है मींस वन कॉमन एंड वन अटैच विद द रूम सेकेंड रूम में चलते हैं सेकेंड रूम भी देख सकते हैं आप अटैच वॉशरूम है एंड इसमें लॉकर फैसिलिटी है अच्छी खासी वॉड्रोब एरिया है रूम बहुत ही स्पेशियस है एंड जो वॉड्रोब एरिया है उसमें बहुत ज़्यादा स्पेस है एंड दिस इज़ अ लॉकर फॉर योर वैल्यूबल्स दोनों रूम में भी पर्सनल टेलीविजन है आप हॉल में भी देख सकते हैं बिगर साइज में या रूम में स्मॉल साइज के टीवी अवेलेबल हैं इधर बालकनी नहीं है सिर्फ विंडो स्पेस है फ्रेंच विंडो जो कहते हैं सो so, ये कंप्लीट डिस्क्रिप्शन था टू बी आर रूम्स के टू बी आर अपार्टमेंट्स या फ्लैट्स आप जो भी कह सकते हो अब चलिए वन बी आर में चलते हैं इसका कंप्लीट डिस्क्रिप्शन देखते हैं आप देखिए सेम एंट्रेंस में फोर सीटर टेबल है यहाँ पे डाइनिंग टेबल सोफ़ा सेट सेम साइज़ हैं टी वी भी सेम साइज़ है विद सेम बालकनी बस सिर्फ साइज़ कम हो गया है डाइनिंग टेबल का वहाँ सिक्स सीट्स uh, वाले थे सेम शू रैक है वन लॉन्ग मिरर, अब चलते हैं किचन में किचन में सारी फैसिलिटीज़ वही है जो टू बी आर में थी इंडक्शन है वाटर हीटर है उसके साथ इंडक्शन की थ्री पीस वाली सेट है चिमनी है वॉशिंग मशीन है टोस्टर है माइक्रोवेव है फ्रिज है सारी फैसिलिटीज़ है यहाँ पे क्रॉकरीज हैं बस थोड़ा सा किचन का साइज छोटा है अगर आप एक न्यूक्लियर फैमिली यहाँ आ रहे हैं तो आपके लिए सफिशेंट है एंड दिस इज वॉशरूम सारे वॉशरूम में अलग से वाटर हीटर स्विचेस हैं गर्म पानी ऑल टाइम अवेलेबल है एंड दिस इज़ द बेडरूम बेडरूम स्क्वाइड बेग आप चाहें तो uh, अगर आपकी न्यूक्लियर फैमिली है अगर uh, अगर आपके किड्स हैं तो आप अलग से गद्दा भी यहाँ लगवा सकते हैं अपना किड्स के लिए कबर्ड में जो स्पेस है वो भी सेम है जो टू बी आर के रूम्स में हमने देखा एंड दिस इज़ अटैच वॉशरूम और एक वाशरूम बाहर में था मीन्स वन बी आर में भी आपको टू वॉशरूम मिल रहा है एक हॉल के साथ एंड वन uh, योर पर्सनल वन फाइनली अब चलते हैं स्टूडियो अपार्टमेंट की तरफ आप देख सकते हैं कि एक बड़े से हॉल में ही सारा सेटअप किया गया है अगर आप सिंगल आ रहे हैं या कपल आ रहे हैं या फिर एक दो फ्रेंड आ रहे हैं तो आप इसको ले सकते हैं एक कॉर्नर में किचन सेटअप किया गया है चीज़ें सारी अवेलेबल है बट स्पेस छोटा कर दिया गया है टू सीटर डाइनिंग टेबल एंड टू सीटर सोफ़ा है मीन्स टू पर्सन के लिए सफिशियंट है सिंगल सिंगल वाली दो बेड्स हैं चीज़ें सारी अवेलेबल हैं जो हर टाइप के रूम में हैं डिपेंडिंग ऑन द पर्सन आप अपना रूम सेलेक्ट कर सकते हैं इसका वॉशरूम भी इसमें अटैच्ड है एंड लॉकर एरिया एंड ड्रेसिंग एरिया सब पूरे एक हॉल में ही सारा सेटअप किया गया है होप आपको बहुत सारी जानकारी मिली होगी अरेबियन ड्रीम्स के बारे में मेरे वीडियो से तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर करें एंड अपने दोस्तों को भी शेयर करें एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग नेक्स्ट वीडियो भी आप ज़रूर देखेगा जिसमें मैंने सारी फ़ूड आइटम्स दिखाया जो हमने दुबई में खाया है